गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी 21 डेज में 10 केजी वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो आपको फॉलो करना बनता है। डेफिनेटली ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा, आपके ओवरऑल बॉडी के फैट को रिड्यूस करेगा। कौन कौन मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है विद योर नेम, विद योर सिटी नेम, डन मेंशन कर देना। #ishra mehra मेंशन कर देना तो डेफिनेटली मैं समझ जाऊंगी कि आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा है। और अगर इस चैलेंज के बीच में आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishra mehra। लेकिन इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, जैसे वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना है और वर्कआउट के बाद आपको क्या मील लेना है, क्योंकि आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था। प्लीज़ मैं आपके वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपनी हर वीडियो में, तो खूब सारा लाइक किया करें, जमकर शेयर ज़रूर किया करें। तो आई होप कि इस वीडियो का बहुत सारा लाइक करने वाले हैं, क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, विद वर्कआउट, मतलब हर चीज़ आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कम्प्लीट आपको देने वाली हूँ। मेरा ये वीडियो किसी भी उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई फॉलो कर सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वर्कआउट से पहले बारी आ जाती है कि हमें प्री वर्कआउट मील क्या लेना है और उसकी क्या है सही टाइमिंग। देखिए सबसे पहले बात आ जाती है टाइमिंग की। तो हमेशा आपको वर्कआउट से 1.5 घंटा पहले कुछ ना कुछ खाकर वर्कआउट करना है, क्योंकि जब आप खाली पेट करते हैं आपकी बॉडी में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं रहता, आप चक्कर खा के गिर सकते हैं और आप नेक्स्ट डे से उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप एक ही दिन में इतना टायर्ड फील करेंगे। लेकिन जब आपने कुछ खा रखा होगा तो आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छा स्टेमिना होगा और आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे, और आप उसके बाद भी आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि मैं पोस्ट वर्कआउट मील भी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, जो बहुत ही हेल्दी है, प्रोटीन से भरी हुई है, आपकी बॉडी के लिए आपका मसल मास बनाने में हेल्प करेगी और आपका फैट कट करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट हम लेते हैं अपना मील जो हमें 1.5 घंटा पहले लेना है, प्रोटीन शेक। कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए लेने हैं आपको 2 बनाना। सेकेंड इन्ग्रीडियंट रहेगा हमारा 1 ग्लास दूध, लो फैट मिल्क आपने इसमें लेना है, राइट। इसके बाद हमने लेना है 2 स्पून्स पीनट बटर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून अलसी पाउडर, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी स्किन, आपके हेयर्स के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आपने क्या करना है, इन सारे इंग्रेडिएंट को आपने इस जार में डाल लेना है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको एक ग्लास में ट्रांसफर कर लूंगी। तो गाइज यहाँ पर रेडी है आपका हेल्दी होममेड प्रोटीन शेक। तो गाइज आई होप कि आपको ये प्रोटीन शेक पीने के बाद में बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा होगा। तो चलिए जैसे ही 1.5 घंटा को कंप्लीट हो जाए अब स्टार्ट करते हैं अपना ओवरऑल बॉडी वर्कआउट। आज का वर्कआउट मैं बहुत इजी दे रही हूँ, बिकॉज ये आपके जितना भी ज़्यादा वेट है हर कोई इसको फॉलो करके अपने वेट को मैनेज कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लेग्स को वाइड कर लेना है, अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेने हैं, ठीक है। और गर्ल्स जो स्पेशली गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल ज़रूर करना है। वर्कआउट कभी भी विदाउट ब्रा या नॉर्मल ब्रा में आपको नहीं करना है। इसके लिए आप दोनों हैंड्स को अपसाइड लेकर जाइए और अपने लेग को आपने अप करना है और अपने टोस को टच करना है, राइट। 1, 2, ठीक है। इस तरीके से हम लेफ्ट साइड करेंगे 20 टाइम्स, राइट साइड करेंगे 20 टाइम्स। इस वीडियो में मैं आपसे 5 एक्सरसाइज शेयर करूंगी, आपने उसके 3 सेट करने हैं। सपोज आपने मेरा एक वीडियो कंप्लीट देखा, एंड तक आपने उसको 20-20 सेट कर लिए, देन उसको आपने दोबारा से रीप्ले करना है, दोबारा से उसको कंप्लीट करना है, देन ऐसे ही 3 बार इस वीडियो को रीप्ले करके इसके 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर साइड पे रिलैक्स, ठीक है। बहुत इजी है ये आपके लोअर टमी, अपर टमी,
आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छे से टारगेट करता है, राइट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं बर्पीस, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जंप करना है, देन उसके बाद डाउन जाना है, अगेन आपने जंप करना है, देन फिर डाउन जाना है, ठीक है। 20 टाइम हम इसको करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज बता रही हूँ 5 एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीट करनी है, देन फिर आपने नेक्स्ट दोबारा से 3 सेट करने हैं। बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ ताकि आप भूले नहीं इस चीज़ को। ये करने के बाद में लिटरली आपकी पूरी बॉडी की बैंड बजने वाली है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी ओवरऑल बॉडी के फैट को ये कट करती है, आपकी ओवरऑल बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा कर देती है। जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली फैट कटना स्टार्ट होता है, आपकी सारी मसल एक्टिव हो जाती हैं, राइट। 20 टाइम्स करना है और 3 सेट्स करने हैं कंप्लीट वीडियो के आपने। इसी के साथ बढ़ते हैं 10 सेकेंड रेस्ट लेने के बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को आपने अपसाइड लेके जाना है और उसके बाद डाउन साइड लाते हुए आपने इस तरीके से बैठना है, स्क्वाट पोजीशन में अप करना है, फिर अपसाइड लेके जाना है बिल्कुल शार्प पोजीशन में, बहुत स्लो ऐसे ढीले ढीले नहीं रखना अपनी बॉडी को। इंस्टेंट अप करना है, डाउन जाना है, इंस्टेंट अप करना है, डाउन जाना है, ठीक है। इससे आपका लेग, आपका ग्लूट मसल, आपका थाई, आपका काफ, आपकी सब चीज़, आपका बैक जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिन लोगों के बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, बिकॉज वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, हम कोई मूवमेंट नहीं करते, राइट। तो उसमें आपका पूरा मसल अच्छे से एक्टिव होगा और प्लस में वेट लॉस बहुत फास्ट होगा। तो चलिए, गुड गोइंग, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। 20 टाइम हमें इसे करना है, देन फिर हम विदाउट रेस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपने वन लेग को इस तरीके से वाइड करना है। आपने ये वाला लेग स्ट्रेट रहेगा, जो आपने लेग ब्रॉड करा है यानी वाइड करा है उसको आप स्लाइटली बेंड करेंगे, देन अपने हैंड्स को यहाँ पे टच करेंगे फ्लोर पे। जब आप फ्लोर टच करते हैं तो नोटिस करना आपने क्या करना, अपने पेट को बिल्कुल अंदर खींच लेना है, स्क्वीज करना है। हमें सांस नहीं रोकना, हमें पेट को अंदर करना है। बहुत लोगों को पेट स्क्वीज करने को बोलते हैं तो आप लोग सांस रोक लेते हैं, नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने पेट को बिल्कुल ना स्क्वीज करना है, देन डाउन। जब आप डाउन जाएंगे तो लिटरली आपके इस एरिया में बर्निंग सेंसेशन होगा और यह आपका वेस्ट, लोअर, अपर टमी को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, टोन करेगा, ठीक है। 20 टाइम्स आपने करना है राइट साइड, 20 टाइम्स आपने करना है लेफ्ट साइड। जब आप मसल एंगेज कर रहे हैं यानी जब आप नीचे जा रहे हैं तो ब्रीथ आउट, अप साइड आ रहे हैं तो ब्रीथ इन। डन, वन साइड डन, अदर साइड। मैं आपको सिर्फ 10 टाइम्स करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ईच साइड 20 टाइम्स करना है बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
अब हम लेट जाएंगे और लेट के अपनी टू एक्सरसाइज अदर जो है परफॉर्म करेंगे। मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दे रही हूँ, सपोज आपसे टमी वाली पहली वाली नहीं होती तो आप सेकेंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अब हमें क्या करना है, लेटने वाली एक्सरसाइज करनी है जो हमारे टमी को टारगेट करेगी, लोअर और अपर टमी को, ठीक है? दो एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, जो इनमें से बेटर लगती है वो करना, लेकिन करना है प्लीज़, क्योंकि बिना करे कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पहले लेट जाइए, उसके बाद में अपने हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस कर लीजिए, ठीक है? लेग रेज करना है हमें, अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए, देन डाउन, ठीक है? फिर अप, देन डाउन, हो सके तो आपने अपने हिप को ऊपर बाउंस करना है, जैसे जंप करवाना है, क्योंकि जब हम जंप इस तरीके से अपने बॉडी को होल्ड एक जगह पे स्टेबल नहीं रहने देते हैं, सपोर्ट नहीं लेने देते, तो उससे आपके टमी पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। जब आप अपने लेग्स को अपसाइड लेकर आ रहे हैं तो आपने ब्रीथ आउट करना है, जब डाउन साइड जा रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है। मस्ट है ब्रीथिंग प्रोसेस टमी को टारगेट करने के लिए या ओवरऑल बॉडी के फैट को टारगेट करने के लिए, ठीक है? तो इसे हमें करना है 20 टाइम्स, और अगेन मैंने आपको बताया था कि 3 सेट हमें पूरी वीडियो के करने हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, ठीक है? यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ मैं आपसे दूसरी एक्सरसाइज शेयर करती हूँ, जो आप इनमें से जो भी बेटर लगे वो कर पाएं। वैसे दोनों कर लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा रिजल्ट जल्दी चाहिए, राइट? नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाना है, देन उसके बाद में आपने ऑपोजिट साइड के अपने नी को टच करना है एल्बो से, ठीक है? एक तो सबसे पहले हो गया, आपने अपने फीट को डाउन करके आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं फिर डाउन लेके जा रहे हैं, ठीक है? जब आपसे एक दो दिन में ये परफॉर्म हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, तो आपने क्या करना है इस तरीके से, राइट? तो फिर आपने ये वाला प्रोसेस करना है, तो 20 टाइम्स आपको इसको करना है। जब आपके एल्बो और नी ज्वाइंट हो रहा है तो आपने ब्रीथ आउट करना है, जब आपकी बॉडी डाउन जा रही है तो आपने ब्रीथ इन करना है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, देन उसके बाद में आपने 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है, और उसके बाद इन तीनों सेट्स को अगेन परफॉर्म करना है कंप्लीट वीडियो को। गाइज यहाँ पर अब हमारा कंप्लीट होता है वर्कआउट, राइट? इसके बाद बारी आ जाती है डाइट की, यानी हमें वर्कआउट के बाद कौन सी डाइट लेनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं हम कुछ भी अटरम शटरम खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें खाएंगे तो बट ऑब्वियसली वो आपके बॉडी में स्टोर होने लगेगा, आप उसको नेक्स्ट डे कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो आप उस चीज़ को कवर करेंगे जो आपने पूरे दिन में खाया है, और प्लस में जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है, राइट? ठीक है, तो 21 डेज आपने कोई भी जंक फूड, मीठा, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, आपने घर का सादा खाना खाना है। वर्कआउट के बाद मैं आपको इतना अच्छा हेल्दी ऑप्शन दे रही हूँ जो आपके पेट को भर देगा, भूख नहीं लगने देगा, और साथ में प्रोटीन हमें इंटेक करना क्यों ज़रूरी होता है, जितना हमारा वेट है हमें उतने ग्राम प्रोटीन हमें पूरे दिन में इंटेक करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मसल को बिल्ड करता है, आपके फैट कट करता है, और आपके जो वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में सॉरनेस आ जाती है ना, एकदम पेन होता है, दर्द होता है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, वो उन सब चीज़ों को भी रिकवर करता है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा शेप देता है, तो प्रोटीन मस्ट है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस हेल्दी प्रोटीन डाइट में आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के लिए और क्या आपको इनटेक करना है। यहाँ पर हम रेडी करने वाले हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील, जिसके लिए आपको एक कोई भी कढ़ाई ले लेनी है, ठीक है? अगर नॉनस्टिक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 स्पून देसी घी। इसी के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे कुछ कैप्सिकम्स, अगर आपके पास डिफरेंट कलर की है तो आप डिफरेंट कलर की भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम इसमें मैं ऐड कर रही हूँ उसको कट करके। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया चंक्स, इसको मैंने ऑलरेडी पानी में सोक कर दिया था, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी, बिकॉज मैं इसको ज़्यादा सब्जियों को पकाने नहीं वाली, क्योंकि पकाने से उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, तो बस मैं इसको हल्का सा सॉटे करूँगी।
50 ग्राम पनीर इतना होगा। इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने पनीर की बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इनफ है ये आपके लिए। आप इसको डिनर में ले रहे हैं, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी भी आपकी डाइट में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्दी है और इसको खाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ महसूस होगा, भूख भी नहीं लगेगी। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और इसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने घी को पहले इसलिए गर्म नहीं किया क्योंकि ये देसी घी है तो ये स्मेल नहीं करता है। सरसों के तेल में क्या होता है, हम इसको पहले गर्म करना पड़ता है, देन उसके बाद हमें वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए। आपने इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं करना है, आप चाहें तो उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइटली सा आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जब ये हल्का सा सॉटे हो जाएगा, देन इसको जब हम प्लेट में सर्व करेंगे तो ऊपर से आप चाट मसाला देन लेमन इसके ऊपर से ऐड कर लें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि सॉल्ट हमें इसलिए ऐड नहीं करना, क्योंकि सॉल्ट अगर हम जितना ज़्यादा अपने डाइट में लेते हैं उतने ही आपके बल्जेस यानी वाटर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है और फैट इंक्रीज होता है, राइट। तो हम हेल्दी रेसिपी खा रहे हैं ना कि नॉन हेल्दी, तो सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको। अब आप देख सकते हैं अच्छे से सॉटे हो गया है, इसको मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है, राइट। अब इसके ऊपर से हम ऐड कर लेंगे चाट मसाला, टोटली ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है चाट मसाला तो आप ऐड ऑन करें, अदरवाइज आप इस तरीके से भी अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाट मसाला डाल लेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये कंप्लीट पोस्ट प्री वर्कआउट प्लस में इतना अच्छा फुल बॉडी वर्कआउट तीनों चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ भर भर के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही अपना प्यार जिंदगी भर देते रहें मुझे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।